नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीची एक्सप्रेस। जयपुर में मकर संक्रांति पर 101 निर्धन वृद्ध विधवा माताओं को कंबल वितरण किया गया। जयपुर गत 14 वर्षों से संचालित सेवा संस्था सचिव पुष्पानंद सामाजिक विकास संस्था रजिस्ट्रेड जयपुर के तत्वावधान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कंबल सेवा समारोह के अंतर्गत 101 वृद्ध विधवा माताओं को कंबल व तिल के लड्डू प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्रपट पर माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक प्रवक्ता खगोल कृष्णवर्धन जी ने अपने आशीष वचन व्यक्त करते हुए कहा कि सर्दी के इस बर्फीले मौसम में निर्धन वृद्ध और विधवा माताओं को कंबल सेवा का सम्मान करना सच्ची मानवता है, क्योंकि निर्धन उम्र दराज और विधवा माताओं का जीवन बहुत अभावों से गुजरा होता है। ऐसे वक्त पर संस्था द्वारा किया गया अतुलनीय प्रयास अनुकरणीय है। कार्यक्रम आयोजक संस्था सचिव श्रीमती रीता पाठक ने संस्था के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व घोषणा 4 चरणों के अंतर्गत शीतकालीन सत्र के दौरान तृतीय चरण में कच्ची बस्तियों में रहने वाली जरूरतमंद वृद्ध व विधवा माताओं के नाम पर घर घर जाकर सूचीबद्ध किए गए, ताकि सही मायनों में जरूरतमंद की सेवा हो सके। वृद्ध विधवा माता कंबल सेवा समारोह के अवसर पर अतिथिगणों में राजस्थान गुजारी परिषद के जयपुर शहर अध्यक्ष समाज सेवी कमलेश कुमार शर्मा, समाज सेविका श्रीमती मंजू गोयल और संयुक्त रूप से अपने वक्त में संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए शहर भर के भामा साहू से संस्था के प्रमुख कार्यों में भी सेवा अपील करने की बात कही।